और अब बात करेंगे दिल्ली मर्डर केस की। दिल्ली में एक लड़की के मर्डर के दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। शहाबाद डेयरी इलाके में 16 साल की साक्षी की चाकुओं से गोदकर साहिल नाम के सरफरे ने हत्या कर दी। बीच सड़क पर हुई ये वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। दिल्ली पुलिस के मुताबिक साहिल और साक्षी की दोस्ती थी, लेकिन कल उनका किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। साक्षी जब अपनी सहेली नीतू के बेटे के बर्थडे पार्टी में जा रही थी, इसी बीच साहिल ने साक्षी को रास्ते में रोका और चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए। इससे भी मन नहीं भरा तो साहिल ने पत्थर से कुचल दिया। फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि आरोपी साहिल लड़की को चाकुओं से गोद रहा है। गली में लोग आते जाते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कोई भी बीच बचाव करने को तैयार नहीं हुआ। साक्षी हत्याकांड मामले में किस तरह से आरोपी साहिल ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, इस मामले में बात करते हैं। एडिशनल डीसीपी हमारे साथ में है। सर, किस तरह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, किस तरह से कितने बजे का यह मामला है और आप लोग तक किस तरह से जानकारी मिली थी? ये कल रात को 9:45 बजे के आसपास की घटना है, और कैसे हुई है वो तो सबने ही देखा ही है वीडियो पे। चाकू से मारा गया, उसके बाद पत्थर उसके ऊपर गिराया गया, इस तरह से उसकी हत्या हुई है। और हमारे ही लोकल पर्सन ने किसी ने हमको इन्फॉर्म किया था, तो उसके बाद हमारी तुरंत टीम वहाँ पे पहुंची है और टीम ने पहुंच के उसके आगे कार्रवाई करी है। आज मॉर्निंग में ही 6 टीम आप लोग रवाना कर दिए थे यूपी और तमाम जगहों पे। कल रात से ही लग गई थी, जैसे ही वारदात खत्म हुई हमने अलग अलग कामों पे अलग अलग टीमों को लगाया है, जो कोई तफ्तीश के लिए, कोई पेपर वर्क के लिए, बाकी रेड्स के डिटेक्शन के लिए, तो हमारी टीमें रात से ही लगी हुई हैं इसके ऊपर। ये आरोपी और मृतक जो लड़के हैं, क्या आपस में जानकार हैं, पहले से इन दोनों एक दूसरे को जानते थे? हाँ, ये जानकार थे, इनकी पहले से दोस्ती थी आपस में। बुलंदशहर में कोई उसके रिश्तेदार रहते हैं क्या आरोपी का? देखते हैं, अभी वो आएगा तो पता चलेगा कौन रहता है क्या रहता है। निश्चित तौर पर यहाँ पे कहा जा सकता है कि जिस तरह से इस मामले को देखा जाए, तो ये देखिए, ये पूरा इलाका देखा जाए, ये इस इलाके में तमाम पुलिस कर्मी को देखा जाए जो मौके पे टीम पहुंचने के बाद यहाँ पर तफ्तीश कर रही है, और तफ्तीश करने के बाद जो मौके वारदात का मुआयना किया जा रहा है कि किस तरह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। आने वाले वक्त में दिल्ली पुलिस के द्वारा औपचारिक तौर पर जानकारी भी दी जाएगी कि किस तरह से आरोपी साहिल ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। जर्नलिस्ट रविंदर के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18, दिल्ली। दिल्ली मर्डर केस का आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। आरोपी साहिल बुलंदशहर से गिरफ्तार हुआ। पुलिस ने साहिल को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है साहिल को। 20 से ज्यादा बार चाकू से उसने वार किया था साक्षी पर। वो 10 दिन से उसी नीतू के घर पे रहती थी। उसका आदमी बंद है जेल में, नीतू का। उसने बोली कि उसके 2 बच्चे छोटे छोटे सर हैं। उसने बोली मैं भाभी के साथ रह रही हूँ। मैंने कल भी फोन किया, बेटा आ जा घर पे। बोली मम्मी उसकी लड़की का बर्थडे है, बर्थडे मना लेंगे, भैया छुट्टी आ जाएंगे तो मैं घर पे आ जाऊंगी। कल बर्थडे था मेरे, 1:30 बजे उसने बात करी। कितने बजे निकली थी साक्षी घर से? घर पे सर नहीं थी, 10 दिन से उसी नीतू के घर पे रहती थी। साक्षी को बताया जा रहा है 1 महीने से घर पे नहीं थी वो, उसी नीतू के घर पे 10 दिन से। पढ़ती थी दसवीं क्लास का पेपर दिए सर, पास हो गई। साहिल क्या और इसका क्या था? हमें नहीं पता सर कुछ। क्या साहिल घर आता जाता था? कोई नहीं, हमें नहीं पता। साक्षी ने कभी आपको बताया कि उसका कोई लड़का है जो परेशान करता है? नहीं, हमने कुछ भी सब कुछ पूछने को, लेकिन उसने कुछ नहीं मुझे बताई। क्या साक्षी गुमसुम रहती थी या कभी कोई चर्चा की किसी लड़के के बारे में? नहीं बताई सर। ये जो घटना सामने आई है, आपने भी आपको जब जानकारी दी, आप आगे क्या चाहते हैं? हमें सर इंसाफ चाहिए, जो है उसको पूरी जिंदगी की सजा या तो फांसी की सजा हो। तो ये जो है साक्षी की मां को आप सुन रहे थे, उनका साफ तौर से कहना था कि बर्थडे पार्टी में गई थी और उस दौरान ये सब वारदात हुई है, और बाकी ज्यादा कुछ वो नहीं जानती थी इनके अफेयर के बारे में, दोस्ती के बारे में। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी शंकर आनंद दिल्ली से जुड़ गए हैं। शंकर, दिल्ली मर्डर केस में खुलासा होते जा रहा है, सारी परत दर परत चीजें सामने आ रही है, आरोपी भी गिरफ्तार हो चुका है, आखिर क्या क्या कुछ अभी तक जांच में निकल करके सामने आया है, बयानों में क्या कुछ सामने आया है?
देखिए इस वक्त में सबसे पहले हम आपको मौके वारदात का दिखाते हैं। ये ठीक वो मौके वारदात है, देखिए इसी जगह पे जो हत्याकांड को अंजाम दिया गया, ब्लड के जो स्पॉट्स हैं यहाँ पर देखिए मार्क किया हुआ है, ब्लड के स्पॉट्स ये मार्क किया हुआ है, इस जगह पे ही हत्याकांड को अंजाम दिया गया। और ठीक यहाँ पे दूसरे साइड में दिखाना चाहूंगा ये सीसीटीवी कैमरा, जहां पर ये पूरी जो वारदात है उस वारदात को इसी सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से उसको देखा गया और आरोपी की पहचान हुई। आरोपी जब इस हत्याकांड को अंजाम देकर यहां से फरार हुआ तो वो सीधे बुलंदशहर पहुंचा, उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर, जहां पर पहुंचने के बाद वहां से कहीं और भी लोकेशन पर वो फरार होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इससे पहले ही दिल्ली पुलिस की जो टीम है मौके पर पहुंचती है और आरोपी को गिरफ्तार कर लेती है। आरोपी साहिल गिरफ्तार हो गया है, लेकिन अब जो तफ्तीश का दायरा कई मायनों में आगे बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से आरोपी के बारे में यह पता किया जा रहा है, अभी थोड़ी देर पहले उसकी एक जो मृतक लड़की है उसकी एक सहेली से मेरी बातचीत हो रही थी, इसी लोकेशन में बातचीत हो रही थी, उसका कहना था कि साहिल हिंदू है या मुस्लिम है, इस बात को लेकर वो थोड़ा सा यहाँ पर विवाद सा है और उसको लगता था कि वो साहिल हिंदू है, क्योंकि अक्सर साहिल ऐसे कलावा जो हाथ में आप देख सकते हैं हमारे हाथ में कलावा बंधा हुआ है, इस तरह से कलावा बांधता था। और जिस वक्त में साहिल की गिरफ्तारी हुई है बुलंदशहर में, उस वक्त में भी उसके हाथ में इस तरह के कलावा है। तो अब यहाँ पे तफ्तीश का ये मसला है, क्या वो अपने नाम या अपना धर्म या कुछ जो अपनी पहचान है वो बदल कर भी मृतक लड़की से मिलता था या इस तरह से कई और भी लोगों से मिलता था, ये भी एक तफ्तीश का मसला है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, जिस तरह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया वो बेहद खौफनाक है, और इस खौफनाक वारदात को अंजाम देते वक्त में यहाँ पे कई लोग मौके पे मौजूद थे जो ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर जानकारी को साझा करने के लिए। आगे बढ़ते